औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति जिसने पूरे विश्व के व्यापार करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि यह वो दौर था जब हाथों की जगह मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले हम औद्योगिक क्रांति का अर्थ जान लेते हैं। औद्योगिक क्रांति औद्योगिक साधन और संगठन में परिवर्तन को कहते हैं। इतिहासकार डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का अर्थ उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के पुराने उपायों को छोड़कर बड़ी मात्रा में बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। इतिहासकारों ने औद्योगिक क्रांति की परिभाषा देते हुए यह कहा कि यह क्रांति उद्योग तथा उपज संबंधी वह क्रांति है जिसमें श्रम का सामूहिक रूप से उपयोग किया गया है, परंतु उसका लाभ श्रम करने वालों को नहीं बल्कि पूंजी लगाने वाले चंद लोगों को मिला है। औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि विकास की एक निरंतर क्रिया थी जो आज भी जारी है। इस क्रांति का सूत्रपात सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ और धीरे धीरे यह क्रांति यूरोप के अन्य देशों में भी विकसित हुई और फिर पूरे विश्व में। जैसे कि पहले लोग कृषि किया करते थे लेकिन उन्हें इतना ज्यादा मुनाफा नहीं होता था क्योंकि फसल की उपज बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से लोगों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। लोगों को कृषि से ही और ज्यादा रोजगार मिलने लगा। उसी तरह उद्योग धंधों में भी पहले लोग हाथों से कार्य किया करते थे लेकिन धीरे धीरे मशीनों से कार्य होने लगा जिसमें समय भी कम लगता था और वह चीज खूबसूरत भी बनती थी, जिस कारण धीरे धीरे यह प्रगति और ज्यादा चलती गई और इसने ही औद्योगिक क्रांति का रूप ले लिया। अब हम आपको बताएंगे औद्योगिक क्रांति के कारण। यह क्रांति व्यापारिक वैज्ञानिक और बौद्धिक विचारों पर आधारित थी। औद्योगिक क्रांति के मुख्य कई कारण थे कि शिक्षा का प्रसार, कोयले का प्रसार तथा यातायात के साधनों में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि और व्यापारिक वर्ग का उदय। इसके अलावा एक और मुख्य कारण था, वो था राष्ट्रवाद। ये सभी कारण थे जिसके कारण औद्योगिक क्रांति हुई। अब हम आपको बताएंगे औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या निकले। मानव समाज में इस क्रांति के कारण चमक दमक भोग विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। अच्छा कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन, यातायात के साधनों का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगा, से लोगों का जीवन स्तर भी उन्नत होने लगा और पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों का भी कहीं ना कहीं अंत हो गया, जिससे एक नए समाज का निर्माण हुआ। साथ ही इस क्रांति से एक नया वर्ग भेद उत्पन्न हुआ, पूंजीपति और श्रमिक, ये दो वर्ग बन गए। इस क्रांति से उत्पन्न श्रमिक वर्ग की स्थिति लंबे समय तक शोचनीय रही कि श्रमिकों का तो इस समय भी बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। जो व्यक्ति पूंजी लगाता था उसे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होता था लेकिन जो वहाँ पर श्रमिक कार्य करते थे उसे बहुत ज्यादा कम मात्रा में पैसे दिए जाते थे। श्रमिकों को निवास और चिकित्सा की भी कोई सुविधा नहीं थी। लोगों को तंग अंधेरे व गंदे मकानों में जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था। कारखानों में दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाती थी, साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे और औद्योगिक क्रांति की वजह से ही संयुक्त परिवार की प्रथा भी छिन्न भिन्न हो गई थी और उसकी जगह छोटे छोटे परिवारों ने जगह ले ली थी। शराब व जुए का प्रचार उस समय इतना ज्यादा बढ़ गया था कि समाज पतन के गर्त में जाने लगा था, इससे हमें आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई। घरेलू उद्योग धंधों का विनाश। क्रांति से पहले लोग अपने घरों में औजार रखकर ही काम किया करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता था और निर्वाह करता था। लोग आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र थे, परंतु औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से ज्यादा उत्पादन होता था। वह हाथ के उत्पादन से काफी सुंदर और सस्ता भी होता था, इससे कि घरेलू उत्पादन की वस्तुओं की मांग कम होने लगी। इस कारण कुटीर उद्योगों में काम करने वाले कारीगर बेकार हो गए तथा घरेलू उद्योग धंधे भी ठप पड़ गए। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व के रोजगार पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में सबसे आगे इंग्लैंड था, परंतु इस दौड़ में इटली, जर्मनी पीछे ही रह गए। ये था औद्योगिक क्रांति का पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।